हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार की। अगर किसी भी पैटर्न में अगर आपको डाउनफॉल में या किसी सपोर्ट पे जब भी आपको मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न होता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर वो आपको दिखता है तो आपको उसमें कैसे ट्रेड करना है और वहाँ पे कैसे आप बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसमें आपको एसएल क्या रखना है, कब बाय करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे और इस वीडियो को हम जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली मॉर्निंग स्टार होता क्या है और उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है। तो ट्रेडर्स, बेसिकली मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलकर, 3 कैंडल्स मिलकर एक मॉर्निंग स्टार बनाती हैं। जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो हम इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार देखना कहाँ पर होता है? डाउन ऑफ द ट्रेंड या सपोर्ट के पास, या तो नीचे मार्केट नीचे फॉल किया हो अगर इस तरह का पैटर्न बना हो, और या किसी सपोर्ट के पास। पहला जो कैंडल होता है वो बेरिश कैंडल होता है, जो थर्ड कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल होता है, और बीच का जो कैंडल होता है न्यूट्रल कैंडल होता है। और इस न्यूट्रल कैंडल का जो कलर होता है, चाहे वो ग्रीन भी हो सकता है या वो रेड भी हो सकता है, डजंट मैटर, या तो वो रेड हो या वो ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता है कि मार्केट में डिमांड आई है और मार्केट अब एक अपवर्ड मूव देने को तैयार है। तो हम इसी पैटर्न के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। और ये जब पैटर्न डाउन ऑफ द ट्रेंड बनता है तो बेसिकली वो क्या सिग्निफाई करता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो न्यूट्रल कैंडल होती है वो ओपन गैप डाउन, यानी ये जो क्लोजिंग थी बेरिश कैंडल की उससे नीचे खुलती है जो न्यूट्रल कैंडल होता है, और जो बुलिश कैंडल होता है वो होता है बुलिश कैंडल ओपन गैप अप देन प्रीवियस न्यूट्रल कैंडल क्लोज। ये जो न्यूट्रल कैंडल का क्लोज था इससे अबव थर्ड जो कैंडल होती है बुलिश कैंडल, इसका बुलिश रहना बहुत जरूरी है, ये उससे गैप अप ओपन होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रल कैंडल का जो लो होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। ये पहली कैंडल का लो है, ये थर्ड कैंडल का लो है, और जो मिडल में जो न्यूट्रल कैंडल है उसका लो ये है, वो तीनों कैंडल के लो से सबसे कम है। और जो थर्ड जो कैंडल होती है बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव 50% लेवल ऑफ द बेरिश कैंडल, कह सकते हैं एक तरह से बुलिश पियर्सिंग कह सकते हैं आप इसको, यानी जो पहली जो बेरिश कैंडल होती है उसके मीडियंस के अबव क्लोजिंग दे, तो ये तब जाके ये पैटर्न वैलिड माना जाता है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न तब वैलिड माना जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं जब ये डाउन ऑफ द ट्रेंड बनता है, आप ये देखिए जब भी ये पैटर्न डाउन ऑफ द ट्रेंड बना, एक आप ये देखिए बेरिश है, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल बना, और एक आप ये देखिए बुलिश कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने क्या शो किया कि दिस इज द टाइम टू बाय, या ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड राइज हुई है या यहाँ पे प्राइस रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा तो देयर इज अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल, ठीक है। अब इसका मतलब बिहाइंड द प्रैक्टिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए अभी तक प्राइस डाउन में आ रहा था, ये बेरिश कैंडल बनी, अब बेरिश बनने के बाद एक न्यूट्रल फेस हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ पे एक तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी खड़ी हो गई है, ठीक है, या तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, या वो क्या करेगी अपने आप को रिवर्स करेगी, तो उसके लिए आपको जो थर्ड जो बुलिश कैंडल है उसका वेट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलेंगे जो थर्ड कैंडल होगी मॉर्निंग स्टार में, वही अपने आप में कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है। आप ये देखिए बुल्स ट्राइड टू पुश प्राइस हायर, अभी तक बियर्स हावी थे, उसके बाद एक न्यूट्रल फेस आता है जो न्यूट्रल कैंडल बनती है, उसके बाद बुल्स ने बहुत अच्छा डिमांड राइज किया और प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो थर्ड कैंडल होता है ना वो खुद में ही एक कंफर्मेशन कैंडल होता है, क्योंकि ये बेरिश कैंडल था, उसके बाद न्यूट्रल फेस आया, अब आपको नहीं पता मार्केट कहां जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये जो थर्ड कैंडल प्रिंट हुआ है जो ग्रीन कैंडल है, ये खुद में ही एक कंफर्मेशन कैंडल है जो ये बता रहा है कि अब मार्केट में डिमांड, एक सफिशिएंट डिमांड
आ गई है, अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो आप एंट्री कहां ले सकते हैं, क्लोज ऑफ द कंफर्मेशन कैंडल आप यहां पे बाय कर सकते हैं। और एसएल आपको कहां रखना है, जो आपका ये जो न्यूट्रल कैंडल है इसका जो लोएस्ट लो था, यानी इन तीन जो तीन कैंडल है जो मॉर्निंग स्टार बना रही है, इसका जो लोएस्ट लो है उसके जस्ट बिलो हम अपना एसएल प्लेस करेंगे। इन केस अगर मार्केट आपके ट्रेड के डायरेक्शन से रिवर्स होता है तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ये जो कि तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अभी आपने वीडियो में देखा। आई होप आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन काफी अच्छी मिली होगी, आपने सीखा होगा कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है और मॉर्निंग स्टार में बेसिकली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इसके एडवांस लेवल जानने के लिए आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे है, आप मेरे को वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डे टू डे बेसिस में स्टॉक के एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस डालता रहता हूँ। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।